विशाल सर, लिंडे इंडिया पे अगर लॉन्ग टर्म विजन पूछूं, लॉन्ग टर्म राय लूं आपसे, तो क्या लगता है सर? मेरे हिसाब से इसका लॉन्ग टर्म ऑलरेडी हम लोग अगर पिछले 2-3 साल का बात करें तो 500 रुपये का स्टॉक 3-3.5 हजार हो चुका है। लॉन्ग टर्म का बाइंग का ये टाइम नहीं है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसमें वेट एंड वॉच का मौका बनेगा। इवन मंथली बेसिस चार्ट में देख रहा हूँ तो मंथली बेसिस चार्ट पे कहीं ना कहीं छोटे मोटे डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहे हैं। तो इसमें ये रहेगा मोर और लेस ऊपर का जो लेवल है कहीं ना कहीं 4,200 का बना हुआ है, बट वो लॉन्ग टर्म टारगेट नहीं होता है। लॉन्ग टर्म टारगेट में मेरे को कोई स्टॉक अगर 2 गुना 3 गुना रिटर्न नहीं दे रहा है तो मैं उसको अवॉइड करके चलूँ। मुझे ये स्टॉक अगर 1,700-1,800 रुपये यहाँ से 50% करेक्शन में कहीं मिलता है तो वो एक जोन मेरे लिए बेटर रहेगा एंट्री के लिए। लेकिन कोई स्टॉक 50% गिरेगा ये आज के डेट में प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है तो ये रहा है क्योंकि आप ऑलरेडी वैसे बहुत सारे भी हाँ मैंने मतलब हम लोगों ने ये स्टॉक मैं देख रहा था 2017 के एंड में, कहीं तभी 2018 के एंड में ये स्टॉक हम लोग देख रहे थे जहाँ पे इसका प्राइस 500 रुपये के करीब था। और 2020 के फॉल में जो फॉल हम लोगों ने देखा 2000 इसका मार्च एंडिंग के बाद जो फॉल देखा हम लोगों ने उसमें भी ये स्टॉक बहुत ज्यादा करेक्ट किया ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बाद जो स्टॉक ने रफ्तार पकड़ी थी वहां से स्टॉक तकरीबन तकरीबन 8-9 गुना हो गया है। 400 रुपये का भाव आज के डेट में, 500 रुपये का भाव साढ़ा ऊपर में 4,000 रुपया जाके आया। तो 8 टाइम्स ऑलरेडी स्टॉक पिछले 2 साल में रिटर्न दे चुका है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक स्टैगनेंसी स्टॉक में आ जाती है, कहीं ना कहीं एवरेजिंग इम्पैक्ट आ जाता है, कहीं ना कहीं सेम इंडस्ट्री के दूसरे स्टॉक चलते हैं। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच इस स्टॉक में जरूरी हो जाएगा। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म पीक तो नहीं है, शॉर्ट टर्म में कुछ ना कुछ स्विंग बॉटम स्विंग टॉप इसमें जरूर बन सकता है, लॉन्ग टर्म पीक नहीं है। अब लॉन्ग टर्म पिक तो नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इतना तेजी, इतना बड़ा लेवल से इतना बड़ा मुनाफा दे चुका है, वहां बहुत नीचे के लेवल से यहां तक आते हैं।